वज़ीर आज़म के दौरे ताजिकिस्तान से आगाज़ करते हैं। इमरान खान का कहना है कि अफगानिस्तान में अमन खत्ते की कुंजी की है, खुशहाली की कुंजी है, तिजारत चलेगी तो सबकी मईशत आगे बढ़ेगी। इमरान खान ने ताजिकिस्तान, काजकिस्तान और ईरान के सुदूर समेत कई अहम रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की हैं। बेलारूस के सदर ने वज़ीर आज़म को झप्पी डाली। बिजनेस फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आए, पैसा लगाए और अच्छा मुनाफा कमाए, हुकूमत हर मुमकिन सहूलतें फराहम करेगी। शिघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान का दो रोज़ा दौरा ताजिकिस्तान। दोशंबे में काजिकिस्तान के सदर कासम जोमारत तोकायोव से मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से भी खिताब किया, कहा ताजिकिस्तान में तवानाई के बहुत ज्यादा मौके मौजूद हैं जिससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इमरान खान ने सरमायाकारों को दावत दी कि वो पाकिस्तान में पैसा लगाएँ। Pakistan is a country of 220 million people, so that is a huge market, and we hope and I invite you, we will, our business community will invite you, and I assure you that we will facilitate you in every way. वज़ीर आज़म ने कहा अफगानिस्तान में अमन के लिए पाकिस्तान हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। ताजिक सदर के साथ मिलकर हमारी ये कोशिश होगी कि अफगानिस्तान की दो बड़ी कम्युनिटीज, ताजिक और पश्तून, एक मखलूत हुकूमत पर इत्तफाक कर लें। Wish and pray that finally after 40 years of conflict there will be peace in Afghanistan. It's extremely important for our trade for there to be peace there so that there's better connectivity. दोशंबे में वज़ीर आज़म की बेलारूस के सदर से भी मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से भी मुलाकात की, जिसमें दो तरफा उमूर पर गुफ्तगू हुई। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कालदम TTP को माफ़ी की मशरूत पेशकश कर दी है, कहा अगर TTP आईने पाकिस्तान को तस्लीम कर ले और दहशत गर्दी में मुलव्वस ना होने का वादा कर ले तो माफ़ी देने पर गौर किया जा सकता है। एक इंटरव्यू में वज़ीर खारजा का कहना था कि हम अशरफ गनी हुकूमत को कालदम TTP के ठिकानों की निशानदेही करते रहे, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन ना लिया। अब देखना होगा कि तालिबान क्या एक्शन लेते हैं। सियासी मामला आपके सामने रखते हैं, क्या नून लीग क़यादत में बयानिए की जंग दूरियां बढ़ा रही है? लाहौर में मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत पार्टी का सूबाई इजलास हुआ, नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। ऐसे में उनके छोटे भाई यानी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, उन्हें शिरकत की फुर्सत न मिली। शुरका बार बार पार्टी सदर का पूछते रहे। मरियम नवाज बोली, जमहूरी जमात में इख्तिलाफात तो हो सकते हैं लेकिन दुश्मन के प्रोपेगेंडे पर कान न धरें, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक ही हैं। नून में से शीन नहीं निकली, शीन में से नून नहीं निकलेगी, क्योंकि नून और शीन जो है वो यूं है। मरियम नवाज के ख्यालात अपनी जगह, मगर तासुर ये मिल रहा है कि नून लीग में बयानी की जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं। लाहौर में पार्टी के तंजीमी इजलास हो रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मॉडल टाउन में होने के बावजूद शरीक नहीं हो रहे। आज होने वाले इजलास में शुरका एक दूसरे से शहबाज शरीफ की अदम शिरकत की वजूहात पूछते रहे। मरियम नवाज शुरका को यकीन दिलाती रहीं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ एक हैं। समा से गुफ्तगू में राणा सनाउल्ला ने क़यादत में इख्तलाफात की तर्दीद की। पार्टी ने अपने डिसिप्लिन के तहत चल रहा है, ये सूबाई कन्वेंशन है और रीजनल कन्वेंशन है, तो इसकी इनकी इनको प्रेजेंट मैं करूंगा या जो है वो पार्टी के बरकनी सदर जो है वो करेंगे। बुध को गायब होने वाले तंजीमी इजलास में भी शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज गायब रहे। शुरका दोनों रहनुमाओं की गैर हाजिरी पर चैमा गोइयां करते रहे। हमको मुआफ़ी दे दो, हमसे भूल हो गई, लेकिन वज़ीर आज़म ने मुस्बत जवाब ना दिया तो जहांगीर तरीन ग्रुप के 9 अरकान ने मुस्लिम लीग नून से राब्ता कर लिया। 3 MNAs का नवाज शरीफ से भी राब्ता करवाया गया। ग्रुप के चंद अरकान पीपल्स पार्टी से भी मामला तय करने के लिए कोशा हैं। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं नईम अशरफ बट। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से मुस्बत जवाब ना मिला तो तरीन ग्रुप के चंद अरकान असम्बली ने पंजाब की दूसरी बड़ी जमात का रुख कर लिया। ज़राए के मुताबिक तरीन ग्रुप के 13 अरकान ने वज़ीर आज़म से माफी तलाफी की भरपूर कोशिश की, लेकिन जवाब ना मिलने पर 9 अरकान ने नून लीग से मरासिम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं।
رابطوں کا آغاز نون لیگ پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ سے ہوا. گروپ کے تین ایم این اے کا نواز شریف سے بھی رابطہ کروایا گیا ہے. اب تک کے رابطوں میں یہ طے ہوا ہے کہ انتخابات کے قریب مقامی حالات دیکھ کر ان ارکان کو نون لیگ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. دوسری جانب جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ترین گروپ کے چند ارکان پیپلز پارٹی سے بھی معاملہ طے کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور یہ رابطے یوسف رضا گیلانی اور دوست محمد کھوسا کے ذریعے کیے جا رہے ہیں. نیم شبٹ سما لاہور. وفاقی وزیر اسد عمر نے پیٹرولیم مصنوعات میں اضافے کے سوال کو ہوا میں اڑا دیا. پرانا بیان یاد دلانے پر صحافی کو کہا کہ آپ مسالہ لگا رہے ہیں. فواد چودھری نے نہ صرف اضافی قیمتوں کا دفاع کیا بلکہ یہ دعویٰ بھی کر گئے کہ 75% لوگوں کی آمدنی بھی تو بڑھی ہے. میری سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہے کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت نیچے گر چکی ہے. آپ کو کم از کم 5 روپے لیٹر پٹرول اور کیروسین آئل کی قیمت کم کریں. دنیا میں تیل کی قیمت نیچے آ رہی ہے, یہاں وہ لوگوں کے اوپر بوجھ ڈال کے پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. کل تک تو یہ ایک کہاوت تھی لیکن آج حکومت اور اس کے وزیروں نے اسے حقیقت کا روپ دے دیا. ملک کے سب سے بڑے مسئلے پر حکومت کے سب سے اہم وزیر کا غیر سنجیدہ رویہ. اپوزیشن والے اسد عمر اور حکومت والے اسد عمر میں فرق آپ خود ہی دیکھ لیں. پیٹرولیم کی مصنوعات پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ٹیکسیشن. ڈیزل 100% تک ٹیکس لے جایا گیا. پیٹرول 51% ٹیکس. مٹی کا تیل جو غریب ترین پاکستانی استعمال کرتا ہے 62% ٹیکس. سوال نہیں پوچھ رہے, اب آپ مسالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اطلاعات کے وزیر تو بہت دور کی کوڑی لے آئے. ٹویٹ میں لکھا 75% آبادی کی آمدنی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے لیکن فواد چودھری صاحب عوام کی انکم نہیں بڑھی. یہ ہم نہیں آپ کے اپنے وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں. وہ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ پچھلے چند سال میں لوگوں کی انکمز جو ہیں وہ نہیں بڑھی. جب انکم لیول بڑھتی رہتی ہیں, افورڈیبلٹی بڑھتی رہتی ہے تو تھوڑی بہت مہنگائی بھی ہو جائے نا تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. وزیر خزانہ تو اس حق میں بھی نہیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جائیں. پیٹرولیم پرائز کی تو ایک قسم سے آپ کو معلوم ہے کہ اس کا امپیکٹ تو بہت ہی آتا ہے, ٹرانسپورٹیشن پہ بھی آتا ہے. تو وہ تو میں ایک دم آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو بی ان اے ہری ٹو انکریز یو نو دیز پرائسز کلوز ٹو انٹرنیشنل پرائسز. پیٹرولیم مصنوعات پر ایک ہی حکومت کے تین وزیروں کے الگ الگ بیانات. عوام چکراہ کر رہ گئے ہیں, کسے وکیل کریں, کس سے منصفی چاہیں. پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے پر سوال اسد عمر کو مسالہ لگتا ہے لیکن جس عوام کے ووٹوں سے یہ منتخب ہو کر آئے وہ تو پیٹرول کی تاریخی مہنگائی پر آگ بگولا ہے. خود تحریک انصاف کے حامی بھی گھبرا گئے ہیں. جو چیز 5 روپے کی تھی وہ چیز 35 روپے کی ہو گئی ہے. اچھا, اب آپ سوال نہیں پوچھ رہے, اب آپ مسالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نئے پاکستان نہیں, اب تو لوگوں کو نئے قبرستان مل رہے ہیں. اور اس نے کہا تھا کہ جب آپ کے ملک میں مہنگائی بڑھ جائے تو آپ سمجھ لینا کہ آپ کا پرائم منسٹر چور ہے. اب آپ سوال نہیں پوچھ رہے, اب آپ مسالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب تو مہنگائی کہاں پہنچی ہے اور وہ خود سوچ لے کہ چور کون ہے. جو پچھلے 70 سال میں جو بیوا ہے اس کا تو کچھ ہم کو کرنا پڑے گا. ان کے بس میں نہیں ہے, وہ اس سے کئی گنا زیادہ بڑھا سکتے ہیں. صرف گلا دبا دیں وہ ان کی مہربانی. اب آپ سوال نہیں پوچھ رہے, اب آپ مسالہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے بہت زبردست سپورٹر تھے, ابھی تو ہماری بھی جو ہے نا توبہ ہو. اتنا مہنگائی کر کے جو ہے عوام کو بالکل سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا. صرف موت سستا ہے بس اس ملک میں. اپوزیشن نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہوئے احتجاج کا اعلان کر دیا. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار نے مہنگائی کا نیا بم چلا دیا. بلاول بھٹو نے کہا عمران خان نے کہا تھا میں رلاؤں گا, آج صرف رو رہے ہیں اور وہ چین کی بانسری بجا رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ قبول نہیں, اپوزیشن نے اعلان کر دیا. شہباز شریف کہتے ہیں حکمرانوں کی معاشی دہشت گردی عوام کے لیے قیامت صغرا سے کم نہیں, بدترین حالات حکمرانوں کی ناکامی کی چیخ چیخ کر دہائی دے رہے ہیں لیکن یہ اپنی ناکامیوں پر مستعفی ہونے کے بجائے ملک اور قوم کو اندھے کنویں میں لے جا رہے ہیں. لیگی رہنما عظمیٰ بخاری نے بھی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. پیٹرول کی پرائس سے جو طوفان آئے گا مہنگائی کا,
पहले ही आम आदमी जो है वो रोटी से उससे लाचार है। भाई तुम करना क्या चाहते हो हमारे साथ? वो ऊपर ले जाऊंगा कि ये मतलब कि अब हम सारे ऊपर ही चले जाएं। बिलावल भुट्टो ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को अवाम की जेबों पर डाका करार दिया। सवाल उठाया कि तहरीक इंसाफ के रिलीफ देने के दावे कहां गए? शाजिया मरी हुकूमती इकदामात पर बरस पड़ी। ये तो कौम को पता था कि ये हुकूमत ना अहल है, ये हुकूमत ना लायक है, लेकिन ये भी अब साबित हो गया है कि ये हुकूमत और ये वजीर आजम जालिम वजीर आजम है। शाजिया मरी ने वाज़े अंदाज में बता दिया कि अवाम को जालिम हुकुमरानों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। महंगाई कयामत ढा रही है, होश उड़ा रही है, गुर्बत की चक्की में पिसते अवाम दुहाइयां दे रहे हैं, मगर महंगाई की तेज गाम रुकने को तैयार नहीं है। खाने पीने की अशिया हो या दीगर रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें, कीमतें बढ़ते बढ़ते दो गुना से भी जायद हो चुकी हैं। सितंबर 2018 में जो चीनी 65 रुपए फी किलो दस्तयाब थी, अब उसके दाम 115 रुपए तक जा पहुंचे हैं। 195 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला बनस्पति घी अब 350 में मिलता है। 20 किलो आटे का थैला 3 बरस पहले 900 रुपए का हुआ करता था, मगर इन दिनों आटे ने आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। 1400 रुपए आपके पास हो तब ही 20 किलो का थैला घर ले जा सकते हैं। पेट्रोल को तो ऐसी आग लगी कि अल अमान अल हफीज 96 रुपए से 123 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा है। एलपीजी सिलेंडर 1760 से 2100 का हो गया है। बड़ा गोश्त 480 से बढ़कर 800 का हुआ। छोटे गोश्त का जायका तो भूल ही जाएं, क्योंकि वो 960 से बढ़कर 1400 रुपए फी किलो हो चुका है। 3 साल के दौरान मुर्गी के भी ऊपर निकले, 160 से उड़ती हुई 280 तक जा पहुंची है। दूध की अगर बात करें तो दूध की कीमत में 45 रुपए लीटर इजाफा हुआ। अंडे भी 115 रुपए से बढ़कर 190 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। और हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी में 3.51 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। पेट्रोल पर लेवी 2.11 रुपए से बढ़ाकर 5.62 रुपए कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 5.14 रुपए फी लीटर बरकरार है। मिट्टी के तेल पर लेवी 2.06 रुपए और लाइट डीजल पर 1.51 रुपए आयद की गई है। कराची में शदीद गर्मी, उस पर बिजली की गैर ऐलानिया लोड शेडिंग का अजाब, शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला होकर रह गए। मुख्तलिफ इलाके बिजली से महरूम है कि इलेक्ट्रिक ने गैस प्रेशर में कमी का जवाब बनाया, मलवा सुई सदन पर डाल दिया। इस वक्त नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, नाजिमाबाद, हसरत मोहानी कॉलोनी लोड शेडिंग से मुतासर है। FB एरिया, अब्बास टाउन, सोहराब गोट, लियाकताबाद में भी गैर ऐलानिया लोड शेडिंग की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात लगाने पर विफाकी वुजरा फवाद चौधरी और आजम स्वाती को बाजाब्ता नोटिस जारी कर दिए। दोनों को इल्जामात के शवाहिद पेश करने का हुक्म दे दिया। पैमरा ने विफाकी वुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड भी जमा करा दिया। सिंध के सरकारी स्कूलों के लिए एक डेस्क की 29,000 रुपए में खरीदारी का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया है। 2 रुकनी बेंच जुमे को समाप्त करेगा। डेस्कों की कम बोली देने के बावजूद ठेका हासिल न करने वाली कंपनी ने अदालत में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें नज़रअंदाज करके 29,000 रुपए फी डेस्क की बोली देने वाली कंपनी को ठेका दे दिया गया। न सिर्फ वर्क ऑर्डर को गैर कानूनी करार दिया जाए बल्कि कम बोली देने वाली कंपनी को ठेका भी दिया जाए। दरख्वास्त गुजार कंपनी के वकील के मुताबिक ठेका गैर कानूनी तौर पर मनपसंद कंपनी को जारी किया गया है। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख के सिंध हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात, कहते हैं 6,500 की डेस्क 29,000 में खरीदी गई, करप्शन मामलात की तहकीकात कराई जाए, ऐसा मुतालिबा उन्होंने किया। 6,500 की डेस्क 5,500 की डेस्क 29,000 में खरीदी गई। सरदार शाह कहता है मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, सईद गनी जिम्मेदार है, सईद गनी के हिसाब कहते हैं मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, मुराद अली शाह साहब जिम्मेदार हैं। 22 करोड़ की मच्छरदानियाँ जानवरों के लिए खरीदी गई। एड्स की वैक्सीन नहीं है, कुत्तों की वैक्सीन बच्चों के लिए नहीं, मच्छरदानियाँ, भैंसों से दोस्ती हो गई है इनकी। स्कूलों में देखा दादू का स्कूल, बच्चे पढ़ा लिया, भैंसें पढ़ाई जा रही हैं, तरक्की होगी सिंध में। 25 करोड़ का चारा, 22 करोड़ की मच्छरदानी, 25 करोड़ का चारा।
उन्होंने कहा जी मुर्गियां और बकरियां पालने की ट्रेनिंग देनी है हमने सिंध वालों को। 35 करोड़ रुपए सिंध के लोगों को मुर्गियां और बकरियां पालने की ट्रेनिंग देनी है, 35 करोड़ लाइव स्टॉक। NICBD में जब जहाज बंद थे 5 करोड़ के एयर टिकट्स ले लिए गए, आवे कहा। और सब करप्शन जो हो रही है उनका, उनके अब्बा हुजूर चीफ मिनिस्टर साहब है। ये सब करप्शन, इन सब के अंदर हमने इंशाल्लाह असेंबली उसके अंदर अदालतों के अंदर आना है। पढ़ाई करने दो, 29,000 की नहीं कोई सस्ती सी डेस्क ही ला दो। जैकबाबाद और लड़काना के सरकारी स्कूल्स में बच्चे आज भी जमीन पर बैठकर इल्म की प्यास बुझाने पर मजबूर हैं। वो सीधा इमारत, टूटे फूटे बेंच, धूल मट्टी से अटे कमरे, ये जैकबाबाद का नूर मोहम्मद पठान स्कूल है जो आज भी बुनियादी सहूलतों से महरूम है। बच्चे जमीन पर बैठ कर तालीम हासिल कर रहे हैं। बिल्डिंग का जो ये हाल है, डेस्क कहाँ है? दो हमारे पास बेंचे हैं, उसमें कुछ बच्चों को नीचे बैठा के तालीम देते हैं, कुछ को ऊपर बैठा के। खाली एक स्कूल, ना टेबल है ना बेंच है, एक चीज़ भी नहीं है, ना बिजली है ना पंखा है। हम गर्मी में आते हैं इधर पढ़ने के लिए, अपना तालीम हासिल करते हैं। हमारे लिए बेंच मेंच बनाए, बिल्डिंग हमारे लिए बनाए भाई। उधर लड़काना के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अली शेर खोखर की इमारत तो बना दी गई, लेकिन इंतजामिया बेंचेस और डेस्क देना भूल गई। लड़के जो हैं शागिर्द नीचे बैठते हैं, उसके कपड़े मेले हो जाते हैं। हमें चाहिए, हमारा रिक्वेस्ट है हुकूमत को, हमारे को फर्नीचर चाहिए, फर्नीचर जो सही है। सुबह तैयार होकर आते हैं, फिर नीचे बैठते हैं, मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तलबा और असातिज़ा का सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि 29,000 की न सही कोई सस्ते से डेस्क ही उन्हें फराहम कर दिए जाएं, ताकि गर्मी सर्दी में वो उन डेस्कों पर बैठकर तालीम हासिल कर सकें। लाहौर से कराची आने वाली निजी एयरलाइन की परवाज में फनी खराबी, कई घंटे गुजरने के बावजूद परवाज रवाना न हो सकी। इसी बारे में मजीद बात होगी। समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम हमें ज्वाइन कर रहे हैं। रिजवान, कौन कौन मुसाफिर इस तैयारे में, खराबी क्या आई है, कब तक ये परवाज रवाना हो सकेगी? जी बिल्कुल, इस एयरबिल की परवाज जो है PA504 जिसको शाम 6 बजे लाहौर से कराची आ रहा था, ये जहाज में फनी खराबी पैदा हो जाने के बाद अब तक लाहौर एयरपोर्ट पर खड़ी है। एयरबस तैयारा A320, इसमें 150 से ज्यादा मुसाफिर हैं, जिसमें PPPTI GDA और MKM से ताल्लुक रखने वाले 20 से ज्यादा अरकान सिंध असेंबली इसमें शामिल है। जराए के मुताबिक ये परवाज जो है उड़ान भरने के लिए जैसे ही रनवे पर पहुंची तो फनी खराबी पैदा हुई और जहाज का कप्तान परवाज को रनवे से वापस पार्किंग एरिया में ले आया। 1 घंटे तक तो मुसाफिर जहाज में फंस रहे, तहम अब 3.5 घंटे तो मुसाफिर लाउंज में परेशान बैठे हैं। हमारे जराए ये बता रहे हैं कि जहाज का जो लैंडिंग गियर है उसका हाइड्रोलिक सिस्टम खराब हुआ है और ये बड़ी खराबी होती है जिसकी जिसको दूर करने में टाइम लगता है। तो अभी इसमें अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुसाफिरों को कुछ भी नहीं बताया जा रहा है, मुसाफिर परेशान है। जी बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे रिजवान। PA405 से एयर ब्लू 6 बजे के टाइम फ्लाइट जो है रनवे पे जाने लगी, रनवे पे कोई फॉल्ट आया और वापस फ्लाइट जो है वो वापस आके एयरपोर्ट पे रुकी। हम तकरीबन 20-22 के करीब MPAs जो हैं, MQM, GDA, PTI और पीपल्स पार्टी के हैं, अंदर बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं, लेडीज़ काफ़ी परेशान हैं, इनके एटीट्यूड की वजह से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जी ठीक हो जाएगा, जबकि जहाज़ की कंडीशन इतनी ख़राब है और ये बात नहीं सुन रहे। कराची में ट्रैफिक पुलिस अहलकारों की दीदा दिलेरी, CVU पर दो मुसल्ला मुलजमान लूटमार के बाद फरार होने लगे तो शहरी ने शोर मचा दिया। करीब मौजूद ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने मुलजमान को धर लिया तो ट्रैफिक पुलिस अहलकारों की दीदा दिलेरी देखने में आई। CVU पर ट्रैफिक पुलिस अहलकारों ने दो डाकू धर लिए, मुसल्लह मुलजमान लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। शहरी ने शोर मचा दिया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल रज़ाक, अहलकार आकाश और मोहसिन ने मुलजमान को दबोच लिया। मुलजमान से छीने हुए मोबाइल फ़ोन और नकदी भी बरामद हुई है। मुलजमान ने जिस शहरी से लूटमार की उसका क्या कहना है, आपको सुनवाते हैं। तू थप्पड़ मारा मेरे को, सी गाड़ी निकाल के भागा, मैं इसके पीछे भागा, ये सामने चोरंगी पे पुलिस वाले खड़े हुए थे, मैंने इन लोगों को बोला भाई मदद करो, ये लोग मेरे साथ आए। हाँ तो फिर हमने पकड़ा है, कौन सी मोबाइल है आपकी? तुम लोगों ने पकड़ा, ये होटल मेरा मोबाइल है, ये पर्स है मेरा, सब कुछ मिल गया अभी मैं आप लोग यार। सीनियर आर्टिस्ट उमर शरीफ को इलाज के लिए अमेरिका का वीज़ा मिल गया। समा ने उमर शरीफ और उनके अहलिया के वीज़ों की कॉपी हासिल कर ली। एयर एम्बुलेंस के जरिए अहलिया के हमरा जल्द रवानगी मुतवक्के है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रेहान अहमद।
मुस्कुराहटें बिखेरने वाले लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ के अमेरिका में इलाज के लिए हायल रुकावटें दूर हो गईं। दिल के आर्जी में मुब्तला सीनियर आर्टिस्ट की अहलिया जरीन गजल ने समा से गुफ्तगू करते हुए वीजे मिलने की तस्दीक कर दी है। हमें वीजे मिल गए, अभी मैं पासपोर्ट लेके आई हूँ। पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया और US कॉन्सुलेट का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस हमारी मुश्किल को समझा और इस में हमारे साथ बहुत कॉपरेट किया। US कॉन्सुलेट मुझसे खुद मिले और उन्होंने फौरन एक घंटे में ही हमारे ये वीजे इशू कर दिए। समा ने उमर शरीफ और उनकी बीवी के वीजों की कॉपी हासिल कर ली है। एयर एम्बुलेंस के लिए भी जरूरी उमूर निपटाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब के मुताबिक उमर शरीफ की एक दो रोज में रवानगी मुतवक्को है। अमरीका में उमर शरीफ के इलाज के लिए इंतजाम मुकम्मल हैं। उनके इलाज की निगरानी अदाकारा रीमा के शौहर डॉक्टर तारिक शहाब करेंगे। रेहान अहमद, समा, कराची। लाहौर से अफसोसनाक खबर, जहां दोस्त ने मुबैना तौर पर 60,000 रुपए हथियाने के लिए दोस्त पर तेजाब फेंक दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। जहांगीर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। लेन देन का तनाजा या महज रकम का लालच, दोस्त ने 55 साल दोस्त पर तेजाब फेंक दिया। वाकया निश्तर कॉलोनी में पेश आया। कसूर का रिहायशी इसहाक लाहौर में मुकीम बेटों से महाना तनख्वाह की वसूली करने आया। 60,000 रुपए लेकर वापस जाते हुए दोस्त के पास रुक गया, जहां मुबैना तौर पर इसी दोस्त ने साथियों की मदद से तेजाब उंडेल दिया। 60,000 रुपए उनके पास थे, कुछ 4-5 उनके पास अपने पैसे थे कि आपको तो अंधेरा हो गया, आप सुबह चले जाइएगा। इतने में उनका चले यार मैं ज्यादा, उनका नहीं नहीं आप सुबह जाइएगा, रात बहुत हो गया, रात बड़े खराब है। रात को वो सो गए, रात के तकरीबन 2:30 बजे उनके सिर के ऊपर तेजाब फेंका गया, सारा उसका चेहरा उनका जल गया, उनको आंखों से नजर कुछ नहीं आ रहा। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मुतासरा शख्स के अहले खाना पुलिस की सर्द मोहरी का शिकवा कर रहे हैं। उनका पुलिस वाला उनका मुलाजम था, उनका जानने वाला था, गाँव का था, वो कह रहा था जिसको नामजद से निकाल दो। डॉक्टर्स का कहना है कि इसहाक के चेहरे का एक हिस्सा बुरी तरह मुतासिर हुआ है, बेनाई जाने का खदशा है। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। कराची में सानहे मेहरान टाउन में कई खानदानों के कफील उनसे रुखसत हुए। ऐसा ही एक खानदान जरीना बेगम का है, जिसके 3 बेटे सानहे की नजर हुए। उन्हें फिक्र है कि बेटों के 10 बच्चों की किफालत कैसे होगी। जमजम सईद की रिपोर्ट। हमारे तो दौलत ही है, मेरे बच्चे ही थे अलग से, एक सब बेचारे काम करते थे, सब अपना अपना घर चलाते थे, बुढ़ा और एक बच्चा है बस मेरे बेटे। हमें उनके कंधों पे जाना था, आज हम वो हमारे कंधे पे गए। ये वो माँ बाप है जिन्होंने सानहा मेहरान टाउन में एक साथ 3 जवान बेटों को खोया है। फरमान, फरहान और इरफान तीनों इसी ताला बंद फैक्ट्री में काम करते थे, जिसके मजदूरों की किस्मत में जान बचाने का कोई रास्ता ही मौजूद ना था। ये ख्याल रह रह कर वालदैन के दिल पर कचोके लगा रहा है कि अगर करीबी फायर स्टेशन में पानी होता तो शायद उनके बुढ़ापे के सहारे बच जाते। हद तो ये हुई कि जब परेशानी के मारे करीबी फायर स्टेशन पहुंचे तो उन्होंने मदद करने के बजाय दूसरे फायर स्टेशन जाने का मुफ्त मशवरा दे दिया। गया फायर ब्रिगेड वालों को बुलाने, वो कोई भी नहीं आया कि हमारे पास डम्मी खाली पड़ी है, हमारे पास पानी नहीं है और मेरे बच्चे झुलस रही है, रोते रही है, कोई सुनाई नहीं करी किसी ने। आग बुझाने वाली गाड़ी के पास गया है, बोलने लगा हमारे पास पानी का इंतजाम नहीं है, आप ऐसा करें बिलाल चौरंगी चले जाएं, बिलाल चौरंगी से आपको गाड़ी मिलेगी। वालिद मोहम्मद एहसान चाहे भी तो 27 अगस्त का वो दिन नहीं भूल सकते जब उनके बेटे फैक्ट्री में जल रहे थे और वो बाहर तड़प रहे थे। तीसरी लाश मेरे बेटे की आई थी, उसकी मुंह में झाग निकल रहे थे। बदनसीब बाप का चौथा बेटा अफजाल भी उसी फैक्ट्री में काम करता था, मगर वो आग लगने से जरा पहले बाहर निकल जाने की वजह से महफूज रहा था। चारों बेटा मेरे एक ही फैक्ट्री में काम करते थे, तो एक बेटा यूं बच गया कि वो चाय लेने चला गया था। बच जाने वाला भाई अफजाल भी अपने 3 भाइयों की इस बेबसी को याद करता है और तड़प कर रह जाता है। मेरे भाई किस तरह उन्होंने क्या नहीं करा होगा अपने आप को बचाने के लिए, मगर
वो बेचारे ये ना सोच रहे हो कि मैंने उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। मैंने जितनी कोशिश हो सकी, मैंने फायर ब्रिगेड वालों से भी लड़ा, रेंजर्स वालों से भी लड़ा, पुलिस वालों से, उन्होंने मुझे आगे नहीं जाने दिया। वो मंजर कभी, अभी नहीं, कभी भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो मंजर मैंने अपनी आँखों से देखा है। जो मैंने अपने भाइयों की तड़प देखी, मैं सिर्फ अपने तीन भाइयों की नहीं, मैंने सबकी तड़प देखी थी उस वक्त। चाबहक फरमान की बेटी ईमान फातिमा अपने बाप को याद करती है और पूछने पर वही बात दोहराती है जो घर वालों ने बता रखी है। मेरे बाबा अलग पा चले, नहीं याद आती। हर दादा दादी अपने पोते पोतियों को प्यार करते और उन्हें असल से प्यारा सूद कहते हुए नहीं थकते हैं, मगर इरफान फरमान और फरहान के वालदैन ये सोचकर परेशान हैं, तीन बेटों के 10 बच्चों को कैसे पालेंगे, जबकि तीन बेवा बहुओं में से एक के हां विलादत भी मुतवक्का है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 11 बच्चे, 10 हैं, 2 महीने बाद फिर 11 हो जाएंगे। अब इनको संभालेंगे कैसे, हमारे भी किराए का घर है, उनके भी किराए का घर थे सबके। इनके लिए टाउन करें, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, अब मेरी तीन तीन भवे बेवा हो गई हैं, तीन बेटे चले गए हैं, मेरी जो वो ताकत नहीं है जो मैं कमा के इनको कर दे सकूं। सिंध हुकूमत ने सानहा मेरान टाउन में जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन की अब तक कोई मदद नहीं की है। सिंध हुकूमत ने इसी साल यौम मजदूर पर बिलावल भुट्टो जरदारी से मजदूर कार्ड का इजरा कराया था, मगर इरफान फरमान और फरहान जिंदगी में इस मजदूर कार्ड से महरूम रहे थे और इनके जाने के बाद इनके लवाहिकीन भी सिंध हुकूमत के माली तआवुन से महरूम है। कैमरामैन एरिक परेरा के साथ जमजम सईद, सामा, कराची। कीवीज के खिलाफ पाकिस्तान की क्यादत है वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम के पास। 83 मैचेस, 14 सेंचुरियां, 56 का बैटिंग औसत, 4000 रन मुकम्मल करने के लिए बाबर को सिर्फ और सिर्फ 15 रन दरकार हैं। न्यूजीलैंड की तरफ से इनिंग्स का आगाज करेंगे कप्तान टॉम लेथम। 5 सेंचुरियां बनाने वाले लेथम का 102 मैचेस में 34 का बैटिंग एवरेज है। इसके साथ साथ अगर बात करें नायब कप्तान शादाब खान की, तो लेग स्पिन के अलावा बैटिंग लाइन को भी सहारा देंगे। शादाब 48 मैचेस में 3 निस सेंचुरियां बना चुके हैं, विकेटों की तादाद 62 है। कीवी ऑलराउंडर कोलिन डी ग्रैंडहोम इन दिनों बैटिंग फॉर्म की तलाश में हैं। 42 मैचेस में 4 निस सेंचुरियों के अलावा 27 विकेटें भी ले चुके हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक की कयादत वर्ल्ड रैंकिंग में 13वें नंबर पर मौजूद शाहीन आफरीदी करेंगे। शाहीन की विकेटों की तादाद 53 है। कैरियर बेस्ट बॉलिंग 35 रन देकर 6 विकेटें हैं। न्यूजीलैंड के बॉलिंग अटैक को मैट हेनरी से कुवत मिलेगी। फास्ट बॉलर ने 55 मैचेस में 98 विकेटें ले रखी हैं। कैरियर की बेहतरीन बॉलिंग 30 रन देकर 5 शिकार है। हेडलाइंस होंगी ब्रेक के बाद, देखते रहिए समा।